Let's some more examples regarding arithmetic operations. Here we are mixing some unary as well as binary plus. In that case, first example, there are two variables x and a, therefore memory allocation for x and memory allocation for a. Like in that case, first one here plus 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 space plus highest priority is iske andar highest priority taken by unary. In that case plus space means agar multiple times plus apply kiya, iska meaning kya hai? Unary plus. To unary plus ke case mein plus aur plus ka multiplication kya hoga? Also plus. Plus and minus ka multiplication kya hai? माइनस. लेकिन इस केस में माइनस है नहीं, ओनली सारे केस किसके ऑल आर प्लस. तो प्लस एंड प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? प्लस. देन प्लस अप्लाई करने की नीड नहीं, बाय डिफॉल्ट का टाइप का इज आल्सो पॉजिटिव. सेम एज इन दैट केस प्लस एंड प्लस अगेन यूनरी. देन इसका रिजल्ट क्या है? प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? अगेन प्लस. नेक्स्ट टाइम फिर से अप्लाई करें मल्टीप्लिकेशन फॉर प्लस एंड प्लस, अगेन प्लस. फाइनली रिमेनिंग रिमेन्स प्लस. इन दैट केस थ्री टाइम प्लस है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? ऑल्सो प्लस. ये सिंपली मल्टीप्लाई रूल फॉलो करोगे रिगार्डिंग ऑपरेटर्स. देन वैल्यू ऑफ ए इज 3, 3 प्लस 3 प्लस 5 इज 11. ओवरऑल रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 11. 11 इज असाइन टू द वेरिएबल एक्स. नाउ एक्स बिकम्स, ए का वैल्यू क्या था ऑलरेडी 3, एक्स का वैल्यू क्या असाइन हुआ? जस्ट 11. देन फाइनली आउटपुट ऑफ दिस एग्जाम्पल इज what is the printed value of x and a? X is 11 and a is 3. Next one, second example, that one. In that case, we are testing just unary minus operator. Again, there are two variable declarations, variable x, variable y. Allocation for x and allocation for y. In next examples. First of all, x में इनिशियलाइज होगा हियर माइनस एंड माइनस बोथ आर यूनरी माइनस. यूनरी माइनस का जब मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइनस माइनस बिकम्स प्लस. इज फाइनली x में क्या असाइन होगा? 3. x इज असाइंड by 3. नेक्स्ट y के केस में भी, इस केस में सबसे पहले परफॉर्म क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइनस माइनस, माइनस स्पेस माइनस, माइनस माइनस बिकम्स अगेन पॉजिटिव मीन्स प्लस. इट बिकम्स binary plus. 5 plus 3 is 8. 8 is assigned to the variable y. Now value of y becomes 8. Finally overall output kya iska? Overall result value of x is 3, value of y is 8. This is the output of that example.